अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला आज दरपेश आया, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जाके एप्लीकेशन दे कोर्ट में, फौरन कमीशन बिठा दिया जाए, दो दिन में तीन दिन में रिपोर्ट भी तैयार हो जाए, उससे पहले कि पब्लिक डोमेन में आए कोर्ट से एक फैसला भी आ जाए और वजूखाना सीज भी हो जाए। जिसको ये शिवलिंग बता रहा है, वहाँ मुस्लिम लॉयर्स ने बनारस के ये बताया है कि एक फुहारा है और हकीकत में वो फुहारा ही है और 400 साल से वह नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। क्या ये समझते हैं कि इसका भी बाबरी मस्जिद की तरह हाल होगा? तो वो किसी, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मुसलमान अपने इस क्लेम को कतई तौर से नहीं छोड़ेगा, ये बात मान लें। और इसके सब में बड़े जिम्मेदार वो हैं कि जब बाबरी मस्जिद का एक गलत फैसला आया था और उन मुसलमानों ने मिस्टर अजीत डोवल के घर पे जाकर नतमस्तक किया था और तश्तरी में बाबरी मस्जिद को पेश करके आए थे सो कॉल्ड धर्मगुरुज, वो बिकाऊ लोग, वो इसके सब में बड़े जिम्मेदार हैं। वो कह रहे थे कि अब किस्सा बंद हो गया, नहीं, किताब तो उसी दिन खुली थी, पेंडोरा बॉक्स खुली गया था। अब इस पेंडोरा बॉक्स को आप किस तरह से बंद करेंगे ये बताएं। और आज मस्जिद, मेहराब, मिंबर, मदारिस, दरगाहें और खानकाहों का क्या रोल रहा 3 साल में, आप खुद फैसला करें क्या रोल रहा। सूफिया, आजकल के नाम निहाद के सूफिया जो बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब के, वो ये नहीं जानते कि अगर अल खल्को अयालुल्ला वासुदेवा कुटुंबवे के अगर हम मानने वाले हैं तो जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा ही दस्तूरुल अमल होना चाहिए और हमारा ही दस्तूरुल अमल है। जितने भी मशारिफ, जितने भी सलासिल हैं, वो हज़रत अली से वाबस्ता हैं, बा इजाज़त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फातह खैबर और फातह खंदक भी है। हाथ चुमा कर नजराने लेने को तसव्वुफ़ और सूफीज़्म नहीं कहते हैं। इन लोगों ने बदनाम किया है मुसलमानों को, व्हाट्सअप बंद करके, मीटिंग्स को ख़त्म करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और हमारी पुश पे एक मजबूत चीज़ है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।